जय बजरंगबली। पापा डर गए, पापा डर गए। आप सच में डर गए थे ना? देखा चुको भैया, हमारे पापा कभी झूठ नहीं बोलते। पापा, नानी ने हमें एक कहानी सुनाई थी, आपको सुनाए? हाँ मिया, हाँ बेटे आओ। हाँ बेटा सुनाओ। एक गडरिया था, उसका नाम था भोलू। एक दिन वो अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए पहाड़ पर गया और वहाँ जाके झूठ मूठ चिल्लाने लगा, शेर आए बचाओ, शेर आए बचाओ। सब गांव वाले उसे वहाँ बचाने के लिए पहुँचे, लेकिन वहाँ पे तो शेर था ही नहीं। भोलू हंसते हुए बोला कि हम तो मजाक कर रहे थे। लेकिन थोड़े दिनों बाद एक दिन सचमुच का शेर आ गया और भोलू जोर जोर से चिल्लाने लगा, शेर आया बचाओ, शेर आया बचाओ। लेकिन इस बार कोई उसको बचाने नहीं गया। क्यों? क्योंकि सबने सोचा कि इस बार भी भोलू मजाक कर रहा है। फिर शेर भोलू को खा गया। ओ हो। अब आप हमें पता, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? मिया बेटे, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पहाड़ पर बकरियां कभी अकेले चराने नहीं जाना चाहिए। ओफो पापा, ये सीख थोड़ी ना मिलती है। फिर इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। बिल्कुल हमारे पापा की तरह, है ना भैया? हाँ पता है पापा, जब हम बड़े हो जाएंगे ना, बिल्कुल आपकी तरह बनेंगे, सच्चे और ईमानदार इंसान। और हम भी। पापा पता है अम्मा क्या कह रही थी? क्या? अम्मा कह रही थी कि तुम्हारे पापा कितने भी झटके हुए क्यों ना हो, लेकिन सबका भला ही सोचते हैं। चलो भाग्य लक्ष्मी, स्कूल के लिए देरी हो रही है ना। हमारी बात पे भरोसा नहीं है? अरे जीजा जी, ये आप क्या कह रहेंगे? आपकी बात पे पूरे लापतागंज के लोग हमेशा भरोसा करते थे, भरोसा करते हैंगे, भरोसा करते रहेंगे। हाँ। ये नया लापतागंज आप बनाएंगे ना? आप बहुत भोले हैं। मतलब? मतलब ये चूरमा भाई कि नया लापतागंज कभी बनेगा ही नहीं। हमें यहां से जाने दो। देखिए हमारे लापतागंज के लोग बहुत ही भोले भाले और सीधे साधे हैं, लेकिन तुमरा ये गोवर्धन सेठ धोखे से हमारे लापतागंज को हथियाना चाहता है। हथियाना चाहते नहीं, हथिया चुके हैं। हाँ? और अब तक तो तुम्हारे गांव वालों ने उन कागजातों पे साइन कर भी दिए होंगे। नाश्ता लाओ। हमें यहां से जाने दो। हम कह रहे हैं हमें यहां से जाने दो। हे बजरंगबली, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो बजरंगबली।
जय बजरंगबली। कैसा लगा हमारा गोवर्धन छाता आप लोगों को? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठंडा वंडरफुल। देखिए हमारा तो उसूल है कि हम छत दें ना दें लेकिन छाता जरूर देते हैं। मतलब ये कि छत भी दे ही दे और छाता भी दे। वंडरफुल। अरे भाभी जी और कितना इंतजार करना पड़ेगा मुकुंदी बाबू का? हम कहा बताए बाबू, ये तो ऐसे ही है, हर समय लबलबाए रहते हैं। वो कहा है आज सुबह हम चाय लेकर आए थे आंगन माँ, लेकिन देखा कि उठे ही नहीं। 3 घंटे हो गए इंतजार करते करते उनका। अरे जब से 20 चाय और 40 समोसे खा चुके हैं हम रे, और 2 किलो जलेबी भी। बताइए और कितना खाना पड़ेगा मुकुंदी बाबू के इंतजार में? और इंतजार तो पिताजी किया करते थे, वो भी अम्मा के मायके जाने का। अब आप इंतजार कीजिए मुकुंदी बाबू के मायके आने का, नहीं हमारा मतलब है यहाँ आने का। अरे मुकुंदी तो आ ही जाएंगे, आप हमारे पैसे तो दीजिए, अब मकान तो बेच चुके, देखिए सामान लिए खड़े हैं। देखिए पैसे तो मिल ही जाएंगे, लेकिन वो पेपर पे कुछ साइन था आप। अरे पापा कसम, साइन भी हो गए, सील भी हो गए और डीपली घुस के मुकुंदी भैया के पास पहुंच भी गए। वंडरफुल। वंदन रशीद पे इन लोगों का साइन लो और पैसे दो। अरे हम साइन नहीं करेंगे, साइन नहीं करेंगे, साइन नहीं करेंगे, साइन नहीं करेंगे, साइन नहीं करेंगे। लेकिन क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें साइन करना नहीं आता है, हम अंगूठा लगाते हैं। ठीक है आप लोगों को जिसको जो लगाना है लगाइए और पैसे ले लीजिए। चलिए किसका नाम है सबसे पहले? श्री हनुमान वाजपेयी। हम हैं। आइए आइए आइए। एक मिनट। हमरे जी आ गए। वंडरफुल मुकुंदी बाबू, बिल्कुल टाइम पे आए हैं आप। आप साइन कीजिए, साइन कीजिए। अरे ठहरिए ठहरिए, का इतनी जल्दबाजी कर रहे गोवर्धन सेठ? गुटुक बाबू तो नहीं, अपना स्थान ग्रहण कीजिए, जाइए जाइए। अरे लेकिन साइन। अरे साइन तो होते रहेंगे, पहले जरा इन्हें ये तो बताइए कि नया लापतागंज कहाँ बसेगा? क्या बक रहे हो चूरमा भाई? हम फुसफुसा जा रहे हो कान में? अरे जोर से बताओ ना लापतागंज कहाँ बसेगा? तबीयत खराब हो गया तो ठीक कर दें। का लापतागंज कहाँ बसेगा है? कहाँ? अरे भाई बताइए, जोर से बोलो। बताइए, आप उधर हटिए, बताइए कहाँ बसेगा? देखिए बसेगा यहीं यहीं पास में बसेगा। अरे पास में तो बाईपास है। तो बाईपास के ही आस पास ही बसेगा। अरे उसके आस पास तो सूखी घास है। घास के बगल में वही का बगल में का हाँ भाइयों, हम इस आदमी को पहली नजर में पहचान गए थे कि ये आदमी सही नहीं है। अरे ये हमारे लापतागंज को हथियाना चाहता है, हथियाना। ए जी। ओ जी क्या हुआ? अरे इंदुमती, ये गोवर्धन सेठ हमें हमें खरीदना चाहता था। लेकिन जब ये कामयाब नहीं हुआ तो फिर इसने हमको हमको अगवा करवा लिया। ए
वो हम ना ही थे। चूरमा भोपाली था, चूरमा भोपाली। हमरा हम शक्ल। जिसे इन लोगों ने हमरी जगह बहरूपिया बना के भेजा था। वंडरफुल, तुम नहीं जानते कि तुमने किसके साथ पंगा ले लिया है। यह सच है कि हमने मुकुंदीलाल को अगवा किया था, लेकिन मुकुंदीलाल का हमशक्ल ये चूरमा भोपाली, इसके नियत में खोट आ गई और इसने मुकुंदीलाल को अपने रास्ते से हटा दिया। और आज आप लोगों के सामने मुकुंदी बना खड़ा है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे हम चूरमा नहीं, मुकुंदीलाल है, मुकुंदीलाल। इंसान को अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जमीन बेचनी भी पड़े तो बेच दीजिए। बाबूजी जमीन बेचने के लिए मान गए हैं? अरे तुम भूल गए, मुकुंदी बाबू ने कहा था कि जमीन बेचने का विचार भी मन में मत लाना। लेकिन बाबूजी को जमीन बेचने के लिए मुकुंदी भैया ने ही समझाया है। देखो चूरमा, आदमी को अपनी गलती इसी जन्म में मान लेनी चाहिए, जैसे कि हमने मान ली है। तुम तो अपनी गलती इसी जगह मान लो, वरना लापतागंज वालों को तो तुम जानते ही हो। पापा कसम, जितने हैं भोले उतने ही हैं भाले। अरे हम सच कह रहे हैं, हम ही हैं मुकुंदीलाल। अगर तुम मुकुंदीलाल हो तो चूरमा कहाँ है? अरे वो कहाँ है चूरमा? कहाँ है चूरमा? अरे बताओ, आएंगे चूरमा, बताइए। अरे वो चला गया भोपाल। अरे झूठ बोल रहा है चूरमा भोपाली, इसने सीधे साधे मुकुंदी को मार दिया और ये चोर पुलिस से बचने के लिए मुकुंदी बनकर यहाँ पे है। मामा हम सर बिजी, अरे एलिजा कसम से हम सच कह रहे हैं, चौरसिया। अरे मौसी कम से कम आप तो समझो। हमको कोई समझ में नहीं आ रहा। इंदुमती हम सब नहीं लगाना, उन्हें लपड़ मारेंगे। कौन हो तुम जो हमारे एजी की तरह ऐसे मूछें लगा के घूम रहे हो? अरे मूछ लगाई नहीं, उगाई है, और तुम्हें हमारी लुगाई है। अरे लुगाई तो पिताजी थे, वो भी अम्मा की। ये बताओ तुम कौन हो? हाँ तुम कौन हैंगे जो हमारे मुकुंदी जीजा बन के सबको धोखा दे रहे हैंगे? कौन है तुम? बताओ कौन हो तुम? अरे बताओ कौन हो? पापा कसम, अब हमको समझ में आ गया कि तुम्हारा अंतिम समय आ गया बे। अबे लापतागंज वालों को जो देते हैं धोखे, उसे पढ़ते हैं धो धो के। बता दे कौन है? वंडरफुल, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्यों अपने हाथ गंदे कर रहे हैं? ऐसे धोखेबाजों का इलाज हमारे पास है, छोड़ दीजिए इसे। कुंदन, अपने आदमी को बुलवाओ और इसका वंडरफुल इलाज करवाओ, ताकि इसे पता चले कि धोखा देने का अंजाम क्या होता है। जी भाई साहब।
आ गया हूँ मुकुंदी बाबू। कसम भोपाल की। अम्मा देखो हमारे दो दो पापा। हाँ बेटा, हम कभी दो दो नजर आ रहे नजर नहीं बेटा, सचमुच दो दो। मारो इसे। कुंदन अपना ही दांव उल्टा पड़ गया। गोपी किशन। गोपी किशन हमारे सिंघट्टे से सीता गीता। लीजा, कहीं मुकुंदी बाबू ने एक रुपया दे के अपनी जेरोक्स कॉपी तो नहीं निकलवा ली? अरे मामा, कितनी अच्छी मशीन थी, क्या जेरोक्स कॉपी होंगी। कुंदन अपने पैसा उलट गया। कहाँ जा रहा है? सुनो, चुरमा भोपाली। आमा मिया, हम है चुरमा भोपाली। चुरमा भोपाली। अरे नॉट वंडरफुल बेटी। चुरमा भोपाली। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।